रामगढ़ के दुर्मी प्रखंड के पुटमदगा में लोगों का जीवन जुगाड़ की नाव पर सवार है। पुटमदगा भैरवी में 500 मीटर चौड़ी नदी को पार करने के लिए ग्रामीण जुगाड़ की नाव का सहारा ले रहे हैं। भैरवी जलाशय के डैम में जलस्तर बढ़ने के कारण नदी पर बना पुल डूब गया है। इसके बाद लोगों ने पुराने ट्यूब और बांस से एक नाव बनाई है, जिससे लोगों को उनके सामान के साथ नदी पार कराई जा रही है। इसके लिए पुरुषों से प्रति ट्रिप 20 रुपए लिए जा रहे हैं, तो महिलाओं के लिए सुविधा मुफ्त है। आपको बता दें, गोला सिकिदरी मार्ग से जुड़ने के लिए दुर्मी ब्लॉक का मुख्य मार्ग पुटमदगा पुल से होकर गुजरता है। पिछले एक माह से भैरवी जलाशय के डैम में जलस्तर बढ़ने के कारण पुल डूब गया है। पुल के ऊपर 3 फीट पानी बह रहा है। दुर्मी प्रखंड क्षेत्र के ग्रामीणों को गोला सिकिदरी मार्ग से जोड़कर गोला बाजार और रांची जाने का ये एकमात्र मुख्य मार्ग है। पुल के डूब जाने से लोगों का जीवन ठहर ना जाए, ऐसे में लोगों ने पुराने ट्यूब और बांस से ये नाव बनाई है। लोग रोजाना जोखिम भरी यात्रा करने को मजबूर हैं। वहीं कांग्रेस नेता सह समाज सेवी सुधीर मंगलेश ने बताया कि ठेकेदार की घोर लापरवाही के कारण ग्रामीणों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कैसे पार होंगे, कैसे खेती बाड़ी करेंगे उधर, तो अपना दिमाग से सोचे कि चार रोटी जोगाड़ करते हैं, बांस का पराठे करते हैं, मर उसको पाट दिए, पाट को और दिमाग लगाया कि राशि से लगाएंगे, दो चैन पुली लगाए हैं, इस साइड है वो एक उस साइड, उसमें रिम कुली लगाया, जैसे पानी टिंटा है कुआँ से, वैसा अधिकार के यार पार कर रहे हैं। दुर्मी प्रखंड के पटनागा कुली के बीच में स्थित भेड़ा पुल में जो 3 वर्ष से यहाँ पे लंबित पुल निर्माण कार्य के कारण लोग यहाँ पे जुगाड़ के नाव से पुल पार कर रहे हैं, और यहाँ जो नाविक है सखरू महतो जी, उनका काफ़ी योगदान है और लोगों को निःशुल्क महिलाओं को रोड पुल पार कर रहे हैं, इससे ग्रामीणों को काफ़ी सुविधा मिल रहा है। और मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि जो भी ठेकेदार इस पुल निर्माण कार्य में जो घोर लापरवाही बरता है, उसको ब्लैकलिस्ट किया जाए और उस पर कानूनी कार्रवाई करते हुए पुल निर्माण कार्य रिटेंडर किया जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं 3 साल से यहाँ पे पुल निर्माण कार्य हो रहा है, लेकिन अभी तक पुल निर्माण कार्य नहीं हुआ है। और यहाँ पे जो ठेकेदार के द्वारा बोर्ड लगाया गया है, उसमें निर्माण कार्य पूर्ण दिखाया गया है। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।